हेलो एवरीवन, आज मैं आपको HSC क्लास 12 मैथ्स फुल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर को करके भी आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन। इसमें देखिए आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन आर डिपेंड ऑन दिस सेट इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 बाय आर इक्वल टू ए बी रेशो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके एक्सप्लेनेशन उसके नीचे आपको दिख जाएंगे। तो देखिए मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी एक्सप्लेनेशन करने का टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिख जाएंगे। देखिए सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है सी, नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द फिजिकल रीजन फॉर एल पी पी शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 11x + 7y, ठीक है। देखिए कैसे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए 0, 5, 0, 3, 3, 2। तो देखिए इसमें जेड इक्वल टू 11x + 7y, इसमें कुछ पॉइंट्स है गाइस एक्स एंड वाई के। तो देखिए हमको इसमें क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी थी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है गाइस, 47 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेंगे गाइस वो कौन सा है, फिर 47D, ठीक है। 47D इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर है थर्ड वाले क्वेश्चन का वो है सी, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, ठीक है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए फुल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है गाइस, देखो ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये भी फिजिकल रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है जेड इक्वल टू 4x + 3y, इसके ऊपर से हमको क्या करना है गाइस, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है डी, 2 और 5, ठीक है। इसको बराबर देख लेना। देखिए सिक्स वाला क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू 10 inverse 6x + 10x देन dy/dx। तो देखिए जो सिक्स वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है बी, 1/2, ठीक है। इसको भी बराबर कर लेना। देखिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन, सिक्स सबका आंसर है गाइस नीचे। देखिए फिफ्थ का आंसर, सिक्स का आंसर सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ रियल एंट्रीज ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर देन डेरिवेटिव ए आपको पूछा है, इक्वल टू आपको वैल्यू फाउंड आउट करना है। तो देखिए जो सेवन वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आपका निकल जाएगा वो है डी, 1 निकल आएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है, देख लेना। देखिए एट वाला क्वेश्चन, देखिए दिस लॉ ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा एट एनी पॉइंट आपको पूछा है। तो देखिए गाइस थीटा इक्वल टू आपको पूछा है, तो देखिए इसका जो एट का आंसर है वो है टेन थीटा ए, ठीक है। एट वाला क्वेश्चन का आंसर है टेन थीटा ए। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, द फिजिकल सोल्यूशन फॉर एन एल पी पी शोन इन द फिगर, लेट जेड इक्वल टू 3x - 4y बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए जो नाइन वाला क्वेश्चन है इसकी जो फिगर दी है हमको, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, फिगर देख लेना और नाइन्थ वाले क्वेश्चन की। तो देखिए जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो है डी, 5, ठीक है। इसका आंसर है डी वाला क्वेश्चन का वो है 5 और 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नाइन्थ हो गया, अभी टेंथ वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन है, देखिए ये देख लेना आप। देखिए टेंथ वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है गाइस, देखिए टेंथ का ये भी मैट्रिसेस वाला ही क्वेश्चन है। देखिए टेंथ का आंसर है डी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ठीक है। टेंथ का आंसर है ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। एलेवेंथ, इसका देखिए इसका भी आंसर 2 आएगा, डी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे गाइस, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए 10 का और 11 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए 12th वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको पूछा है। तो देखिए जो 12th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, इफ एन एल पी पी एडमिट टू ऑप्टिमल सोल्यूशन इट हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखिए 13th क्वेश्चन,
देखिए, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरनल, देन आपको पूछा है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है के वैल्यू कैसे निकाले करके, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 13 का आंसर है इस ए, ठीक है, के ग्रेटर देन 3। देखिए 14, इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है नन ऑफ दिस ए। देखिए 14 हो गया, देखिए आपको 14 का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर है वो है बी, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएट एट एक्स जीरो, ठीक है। देखिए 16, जो 16 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, ऑड एंड इंक्रीजिंग। 17 देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज आपको पूछा है। तो देखिए जो 17 वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है 1, ए 1 और 0। 18 क्वेश्चन, 18 का जो आंसर है गाइस वो है ए पाए, ठीक है। 19 देखिए, 19 का जो आंसर है वो है 1 डिवाइड बाय 8 डी, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 8 डी। देखिए 20, 20 का आंसर है गाइस डी पैरेलल, ठीक है। थोड़े स्पीड में लेता हूँ गाइस मैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर बताऊंगा तो बहुत डिटेल में जाएंगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको सब यहाँ पे सब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में। देखिए सेक्शन भी देखते हैं अभी, इसमें देखिए आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 21 जो क्वेश्चन है गाइस, उसका जो आंसर हुआ है सी, 1 1 एंड इन टू। देखिए 22, देखिए जो 22 वाला क्वेश्चन है गाइस, उसका जो आंसर हुआ ए, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। देखिए इसका जो आंसर है 22 को यहाँ पे दिया है, देखिए देखिए 22 का आंसर है यहाँ पे, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया हो, ठीक है। 22 हो गया। 23 देखिए, इसमें ये भी गाइस फिजिबल रीजन वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 to 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक यहाँ पे देखा हो, ठीक है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। देखिए जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 7y आपको पूछा है। देखिए यहाँ पे इसकी फिगर यहाँ पे है, नीचे देखिए फिगर दी है। देखिए इसका जो आंसर है 23 का वो है डी 43, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 43, इसलिए इसका आंसर 43 था। देखिए 24, 24 का जो आंसर है गाइस वो है डी 75, ठीक है। 25 देखिए, 25 का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। यप इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 26, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स टू इस आपको पूछा है। देखिए जो 26 का आंसर रहेगा गाइस वो है डी पाई डिवाइड बाय 6। 27 देखिए, 27 का जो आंसर है वो है डी 1 1 ऑन टू, ठीक है। 28 देखते हैं अभी, देखिए 28 का जो आंसर आपका आ जाएगा वो है 0 a, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 29, 29 का आंसर आपका आ जाएगा d 0 एंड 1 एंड e। देखिए 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको पूछे, तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा आपको वो आएगा c, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 31 देखिए, 31 का जो आंसर आपका आ जाएगा वो है एन स्क्वायर वाई, ठीक है, इसका आंसर है सी, ठीक है। इसका सबका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन ऐसे देख लेना। देखिए 32, देखिए 32 का जो आंसर है गाइस वो है सी 0, ठीक है। 33, 33 का देखिए जो आंसर आएगा आपका वाला वो है 33 शुरू है ना, देखिए 33 का आंसर आपका आ जाएगा डी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। देखिए 34, 34 का आंसर आपका आ जाएगा सी इक्वल टू, देखिए सी आंसर आएंगे इसका पाई डिवाइड बाय 4।
मैंने सबका एक्सप्लेनेशन बताया होगा इस नीचे, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। देखिए 35, 35 का जो आंसर है करेक्ट वाला वो है सी, 1/2। 36 का देखिए गाइस आंसर है बी, एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। 37 बराबर है ना, 36, 36 का आंसर बी। देखिए 37 जो क्वेश्चन है गाइस इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दिस, ठीक है, इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते हैं। देखिए 38 इसका आंसर है बी, 4/3। 39 का जो आंसर है गाइस वो है सी, m² y। 40 देखिए गाइस जो 40 का आंसर आएगा आपका वाला वो है डी, 1, 3, 2, 4, 5 एंड 6। देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन है सब यहाँ पे। देखिए 41 डिवेलप साइन 1/4 sin inverse √63/8 इस आपको पूछा है। तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वाला वो है सी, 1/2√2, ठीक है। 42 देखिए 42 का आपका आंसर आएगा गाइस वो है सी, ठीक है, 17,000, सॉरी 17,000 आएगा आंसर इसका वाला, ठीक है। 42 हो गया। 43 देखते हैं। देखिए 43 का जो आंसर आएगा गाइस वो है ए, 1, ठीक है। देखिए 44 का आपका आंसर आ जाएगा वो है, देखिए 44 का आपका आंसर आएगा सी, ठीक है। देखिए 45 का आपका आंसर आ जाएगा वो है बी, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे एक आपको ये दिया है गाइस, देखिए रीड एक पैराग्राफ जैसे फिगर है, देखिए रीड द केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस थ्री स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर विच ही सेल्स इन टू मार्कर्स एनुअल सेल्स आर इंडिकेट, आपको पूछा है। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर आएगा आपका वाला, देखिए 45 वाला क्वेश्चन, देखिए जो 45 वाला क्वेश्चन, देखिए सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है लगता, रुक जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाले हैं मैंने, देखिए अभी मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। जो 45 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा, देखिए बी रहेगा आपका आंसर, देखिए क्या है वो, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। देखिए 46 का आपका आंसर आ जाएगा सी, 32,000। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है सब क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए 47 क्वेश्चन, 47 का जो आंसर है वो है डी, 46,000, ठीक है। 47 का जो आंसर है वो है 46,000। 48 का जो आंसर है गाइस वो है डी, 53,000। एंड 49 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, 31,000, ठीक है। और जो 50 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ₹15,000 एंड ₹17,000। तो देखिए गाइस मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के बाद फुल क्वेश्चन पेपर आपको बताया हो गाइस, इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद भी आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने जो ये क्वेश्चन है, देखिए जैसे सेक्शन है, सेक्शन ए के नीचे देखिए मैंने सब क्वेश्चन आपको बताया एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है। तो बराबर क्वेश्चन पेपर करिए गाइस, और जो आपका मैथ्स SSC का पेपर है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइस, इस पेपर को कर लो आप, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।